हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ब्लड सैंपल कलेक्शन कैसे होता है। आप एक बार में ब्लड कलेक्शन पूरा सीख जाओगे, कैसे आपको कलेक्ट करना है, कैसे ब्लड को निकाला जाता है। स्टार्ट करते गए, जैसे कि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो पहले होता है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को पहले हमें क्या करना है, फिजिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पेशेंट जो होता है तीन चीज़ें उससे पूछनी पड़ती है। पहली, आप जैसे कि कोई अगर शुगर का सैंपल है तो हमको हमेशा शुगर का सैंपल कब लेना होता है, फास्टिंग में। जैसे फास्टिंग का सैंपल है तो फास्टिंग में, तो पेशेंट से पूछना है कि आपने मॉर्निंग में सैंपल लिया, कुछ खाया तो नहीं है, कुछ पिया तो नहीं, उसके बाद हमें सैंपल लेना है। पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करनी है। कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करने के बाद हमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब पेशेंट सारी चीज़ें कंफर्म है, वो फिजिकली एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब हमको सैंपल लेना होता है। ठीक है, तो हम लोग को सैंपल तीन वेन से कलेक्ट किया जाए, मिडिल वेन, सिफेलिक वेन और क्यूबॉइडल वेन। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पेशेंट के, आ जाइए आप, आपका हाथ दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई करना, अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि जहाँ पे इसकी वेन कौन सी परफेक्टली विजिबल होती है। इसको पास में से आके दिखाओ। ठीक है, अब जैसे कि इसकी वेन अभी प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही है तो हमको इसको वेन को देखना होगा। ठीक है, और वेन को देखने के लिए हमको इसका अप्लाई करना पड़ेगा टर्निक्यूट। ठीक है, पिक लीजिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले टर्निक्यूट को अप्लाई करेंगे। क्लियर है गाइस? तो सबसे पहले टर्निक्यूट अप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले टर्निक्यूट को अप्लाई करना। अब टर्निक्यूट को कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ बांध देते हैं, यहाँ बांध देते हैं, तो उसको जो होता है अब थ्री फिंगर अबव बांधना है। ठीक है, यहाँ से थ्री फिंगर देख लो और थ्री फिंगर अबव बांध के, बहुत ज़्यादा ना टाइट ना ज़्यादा लूज। ठीक है, हल्का सा हमने टाइट किया, देन उसको प्लेस कर दिया। क्लियर है? ये हमारा टर्निक्यूट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेशेंट पेशेंट से बोलना है मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बंधवा के यदि आपको वेन क्लियरली विजिबल है, आप कलेक्शन करो, नहीं है तो एक दो बार उससे आप ऊपर नीचे हाथ करवाना है। क्लियर है? अब आओ पास में। अब देखो सबसे पहले क्या होता है तरीका कलेक्शन का सीखना। ठीक है, अब हमने सबसे पहले कलेक्शन का, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट देख लो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बताओ इधर। तो हमें जो सैंपल कलेक्शन करने के लिए पहले सिरिंज की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सिरिंज चाहिए। सिरिंज के अलावा हमें चाहिए ट्यूब्स चाहिए होती है, स्प्रिट सैनिटाइजर यूज़ होता है और उसमें स्वैब यूज़ होता है कॉटन का। आ जाइए कलेक्शन देखिए एक्चुअल में कैसे करना है। टर्निक्यूट अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले जगह को स्टरलाइज करना होता है। ठीक है, और जगह को स्टरलाइज करने से पहले आपको ऐसे नहीं घिसना है, स्टरलाइजेशन का भी तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टरलाइज करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, एकदम गलत तरीका है। पहले बीच में टैप करना है, राउंड 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 लेकर सारे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर, और फिर से क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पे हाथ लगा के फिर वेन फेल कर ले तो ये फिर इन्फेक्टेड हो गया। तो हमें पहले पूरा स्टरलाइज करके क्लीनिंग करना है। क्लियर है? देन उसके बाद हमें सिरिंज को निकालना है, और इस सिरिंज को कभी भी पेशेंट के मुंह पे एयर नहीं निकालना है, हमें नीचे करके प्रॉपर एयर निकालना होती है। इस टिप को, तीखे वाले हिस्से को ऊपर करके सेट कर देना होता है। क्लियर है? ये सेट करने के बाद हमने स्टरलाइज किया था इसको, प्रॉपरली स्टरलाइज राउंडेड मोशन में स्टरलाइज करना है। अब यहाँ पे आपको उंगली या हाथ नहीं लगाना होगा। क्लियर है? अब देखो सैंपल आप कैसे कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको ये वेन ऑलरेडी फील्ड थी, इसको हमने कैप को रिमूव करेंगे। कैप को मैं आपको बिल्कुल प्रोसीजर एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब हमें ये जो कॉटन है ना, कभी कुछ लोग नीचे रख देते, हमें इसको नीचे नहीं, हमको इसको हाथ में ही होल्ड करना होता है। ठीक है, अब वो करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो निडिल है इसको हम लोग ने ईजिली इसके अंदर इंटर करवा देंगे। जैसे ही इंटर होगी यहाँ पर ब्लड आने स्टार्ट, इस हाथ को एकदम फ्री कर दो, स्लो स्लो सैंपल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमको सफिशिएंट अमाउंट में सैंपल मिलता है उसके बाद हमको ये हटाना है, कॉटन को प्लेस करना है और इसको रिमूव करके हटा देना। अब ये वाली चीज़ को, इसको रख के हमको इसके ऊपर सबसे पहले कैप लगाना ज़रूरी होता है, इसको रख के देन हमको इसको रिमूव कर देना है। पेशेंट को थोड़ी देर दबाने के लिए बोलना है मुट्ठी छोड़ दीजिए। क्लियर है? अब हमें जो सैंपल मिला है इस सैंपल को हमें बाइल के अंदर प्लेस करना होता है। बाइल के अंदर डालने के पहले हम लोग हमेशा
सिरिंज से कभी भी सैंपल नहीं डालेंगे, सिरिंज को पूरा हटा देना निडल को, निडल के बाद इसकी वॉल से टच करके एकदम स्लोली सैंपल को डालना होता है। अगर आप एकदम ऐसे उसको दबा दोगे तो आरबीसी जो सेल्स वगैरह है रप्चर हो जाएगी। और इसको कभी भी ऐसे मोशन करना चाहिए, कभी भी इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे भी सेल रप्चर होती है। हमेशा सर्कुलर मोशन में, राउंडेड मोशन में, या आप ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर होता है एंटी कोआगुलेंट। ठीक है गाइस, तो आपको इतनी चीज़ जहाँ तक समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में सैंपल कलेक्शन कैसे होता है।